उसका एनालिसिस लेकर आए हैं, जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ्स के कितने टॉपिक से कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं वही बताएंगे। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, पूछा गया था ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, तो वो 1632 में हुआ था, और उसके निर्माता कौन थे, जो निर्माण करवा रहा था, जो बना रहा था, उसका क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और किनके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा, और किनकी याद में, उनकी बेगम थी मुमताज महल की याद में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है, आगे पूछा जा सकता है। दूसरा था कि बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई न्यूटन होती है, और बल का फॉर्मूला देख लीजिए, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और बल क्या है, ये आपसे क्वांटिटी पूछेगा, तो बल है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ डायरेक्शन ही होगा, वो स्केलर। ये चीज़ें आप याद रखिए, आगे काम आएंगे आपको। ठीक है, फिर पूछा है कैपिटल ऑफ त्रिपुरा क्या है, अगरतला। देखिए, कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप कैपिटल जितने भी स्टेट है सबका कैपिटल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1913 में लाला हरदयाल के बारे तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, हो सकता है आगे ये पूछेगा जलियांवाला बाग, तो पूछा गया था पिछला और क्वेश्चन। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अभी जो आईपीएल 2020 कौन जीता है, जो यूएई में हुआ है, ये पूछ देगा कि कहाँ पे हुआ है, तो यूएई में हुआ है। अब जीता कौन था, मुंबई इंडियंस, किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल, सॉरी। ठीक है, फिर पूछा था बरगद का पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम फिकस बंगालिसिस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, साइंटिफिक नेम भी पूछ रहा है। ओलंपिक 2020 में जो होने वाला था वो कैंसिल होकर 2021 में हो गया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक आया था। किस देश में इसका आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा जापान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आज भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो 1954 में भारत रत्न का स्थापना हुआ था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देश में स्वच्छता लाने के लिए, गंदगी ना फैलाएं, और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आप भी ध्यान दें, अपने आसपास पूरे कचरे को ना फैलेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा था न्यूक्लियर साइंस से, पूछा था न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल का खोज किसने किया था। ठीक है, तो आप भी उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 रॉबर्ट हुक सेल की। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। डे से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा था। हम बोले थे जितने भी स्टेट है वहाँ के CM और उनके गवर्नर का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रमोद सावंत है, और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होंगे, तो वो बर्मिंघम में ब्रिटेन में होंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, 1930 से कहाँ से पहले, कनाडा से स्टार्ट हुआ था, कनाडा में हुआ था। हाँ, पूछा है CEO ऑफ ड्रीम 11, ड्रीम उनका CEO कौन है, तो हर्ष जैन है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो देखिए भैया कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को ध्यान दीजिए, और जितने भी फुल फॉर्म वगैरह है ये सब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 1024 होता है। ठीक है, IBM के CEO वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सीवियर कौन है, अरविंद कृष्णा। ठीक है, जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, तो देखिए ऊपर जो निचला जबड़ा होता है, इधर वाला जॉ, ठीक है, उसको लोअर जो बोला जाता है उसको बोलता है मैंडिबल। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला। जो दोनों में से कोई जाएगा पूछा होगा उसको टिक कर देना था। ठीक है, दोनों बता दिए। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला पास क्या है, तो बनिहाल पास है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, और जितने पास है वो देख लीजिएगा। ठीक है, दास वंश का संस्थापक पूछ रहा है। ठीक है, तो दास वंश गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और देखिए गुलाम वंश में ही जो पहली महिला थी, क्या नाम था उसका, रजिया सुल्तान। ठीक है, वो भी बनी थी दिल्ली की। महावीर जी का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान नाम था। ठीक है, कैमिस्ट तीर्थंकर थे महावीर जी, 24वें, ये आपको याद रखना है। माधव बुद्ध से पूछा जाएगा, तो वो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जन्म क्या लुम्बिनी में हुआ था। और ठीक है, चलिए ठीक है, और ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम पूछा, तो जो बिडेन कैमरे प्रेसिडेंट है, तो 46वें प्रेसिडेंट है। ठीक है, अमेरिका के। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आए थे आपके RRB NTPC में आज के क्लासेस में। ठीक है, तो जितना जानकारी आपको मिला, ठीक है, उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स जो पोर्शन से आया था उसमें रेशियो से क्वेश्चन आए थे 2, और रेशियो से क्वेश्चन आए थे आपके, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, और जो रेगुलर से 1-2 क्वेश्चन आ रहा। हाँ, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आते रहे, तो नंबर सिस्टम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और सब अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल भी एक एनालिसिस लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।